वहीं भोपाल से बड़ी खबर, जहां नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रवि परमार ने सीएम मोहन को पत्र लिखा, पत्र लिखकर सीएम से मिलने का समय मांगा है। कहा कि मैं चाहता हूं शिक्षा माफिया पर कार्रवाई की जाए, शिक्षा व्यवस्था को स्वच्छ बनाया जाए। नर्सिंग घोटाले में कई अधिकारी शामिल है। रवि परमार की तरफ से लेटर लिखा गया है, रसूखदार मेरी हत्या करवा सकते हैं, पत्र लिखकर सीएम से मिलने का समय मांगा गया है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या मांग इस लेटर के जरिए? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग जो घोटाला है वो लगातार टूट पकड़ा हुआ सुर्खियों में है। रवि परमार एनसीआई के नेता हैं और लंबे समय से नर्सिंग जो घोटाला है उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कई बार उन्होंने मीडिया के सामने नर्सिंग घोटाले को लेकर साक्ष्य रखे भी हैं और अब एक बार फिर वो सुर्खियों में है और स्पष्ट तौर पर उनका एक पत्र लिखा है और पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम लिखा है और उन्होंने उसमें ये जिक्र करा है कि उनके पास नर्सिंग घोटाले के तमाम तथ्य हैं जो उनसे मिलकर वो देना चाहते हैं। हालांकि इस लेटर के अंदर उन्होंने यह भी जिक्र करा है कि उनकी जान को खतरा है और नर्सिंग घोटाले में जो लिप्त अपराधी हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की मांग भी करी है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार नर्सिंग घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और जब सीबीआई अधिकारी जो जांच कर रहे थे उनकी जब गिरफ्तारी हुई, उन्हें रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसके बाद से तमाम जो मामला है सुर्खियों में बना हुआ है। कल भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी नर्सिंग घोटाले के अंदर अधिकारी लिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्त किया जाएगा और साथ में तत्कालीन जो तमाम जो अधिकारी थे जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संदेह के घेरे में, उनकी जांच भी कराई जाएगी। तो स्पष्ट तौर पे अब रवि परमार का जब लेटर सामने निकल के आता है तो अब एक बार फिर से सियासत इस पूरे मामले पे होते हुए दिखाई देती है। कांग्रेस भी इस बात को लेकर लगातार उठाते हुए दिखाई दे रही है कि मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है और नर्सिंग जो घोटाला हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर छात्रों का जीवन अंधकार में गया है। रवि परमार अब मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने की मांग कर रहे हैं और इस बात को लेकर उन्होंने जो पत्र भी लिखा, तमाम जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो तथ्य है उनके पास नर्सिंग घोटाले के, जिसमें कई अधिकारी कई कॉलेजेस के जो मालिक हैं वो इसके अंदर लिप्त हैं, उनका उजागर किया जाएगा और मुख्यमंत्री मोहन यादव को उसको लेकर पूरे सबूत सौंपे जाएंगे ताकि प्रदेश सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। बहरहाल एक बार फिर से नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के अंदर नर्सिंग घोटाले में लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि तमाम जो कॉलेजेस के प्रबंधक हैं जो इस संदेह की भूमिका में हैं उनकी जांच की जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसे सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया है, जिसमें से दो सीबीआई के अधिकारी है जिनकी जांच के लिए जिनको दिया गया था, उनमें से राहुल राज जो तमाम जो लोग हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रिमांड पर भेजा गया। कोशिश की जा रही है जानने की आखिर इस घोटाले के अंदर और कौन कौन से लिप्त और कई जो कॉलेज हैं जिनको सुटेबल घोषित कर दिया गया था रिश्वत के आड़ में, उसमें एक बार फिर से जांच हो सकती है और उस पर यह स्थिति बन सकती है कि वापस की उनकी जांच की जाए और ये स्थिति देखी जा सके कि क्या वाकई वो सुटेबल की स्थिति में थे या सिर्फ रिश्वत लेके उन्हें एक प्रमाण पत्र दे दिया गया है। बहरहाल अब कहीं ना कहीं अभी कह सकते हैं कि एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है और नर्सिंग कॉलेज को लेकर न केवल नर्सिंग कॉलेज के छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी वो सड़कों पर हैं, इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं तो एनएसयूआई की तमाम जो लीडरशिप है वो भी समय समय पर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रही है। अब किस तरफ ये पूरा मामला जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रवि परमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी जान का खतरा बताया, तो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट इंगित कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एनएसयूआई इस पूरे मामले को लेकर और भी उग्र आंदोलन कर सकती है और आने वाले दिन सड़कों पर हमें अपनी मांगों को लेकर नजर आ सकती है। बहरहाल मुख्यमंत्री निवास से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी जानकारी मिलने की नहीं दी गई है, लेकिन इस बात का स्पष्ट कह सकते हैं कि चूंकि एक बड़ा संवेदनशील मामला है और जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी तमाम संवेदनाएं दिखाते हुए स्पष्ट तौर पर यह ताकीद किया था कि किसी भी प्रकार में कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और खासतौर पर वो अधिकारी जिन्होंने रिश्वत की आड़ में कॉलेज को मान्यता दी गई थी या कॉलेजों को खोलने की इजाजत दी गई थी, तमाम नियमों को ताक पर रख के रिश्वत लेके ये काम किया गया था, उन तमाम लोगों की कड़ी से कड़ी जोड़ा जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार इस बात को लेकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नर्सिंग घोटाला और भी तूल पकड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नर्सिंग घोटाले में कई अधिकारी शामिल हैं, इस तरीके से रवि परमार की तरफ से एनएसयूआई के नेता जिन्होंने एक लेटर लिखकर यह मांग की है कि इसमें वो कई अहम जानकारियां देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से वो मिलना चाहते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको